मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर और आज हम बात करेंगे सीआरपी। दिल का दौरा पड़ने के बाद सीआरपी देकर बचाए गए हर 5 में से एक व्यक्ति को मौत का करीबी अनुभव होता है और इस दौरान पीड़ित को एहसास होता है कि वह शरीर से अलग होकर दूर जा रहा है। उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी रील की तरह घूमने लगती है। ये खुलासा जो है एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है और उनके द्वारा रिसर्च में स्टडी की गई है। इसमें शामिल लोगों ने बताया है कि हार्ट अटैक के बाद सीआरपी के दौरान उन्हें कभी ना होने वाले अनुभव होते हैं। सीआरपी एक रिसर्च में उसके 5 पॉइंट सामने आए हैं। अगर हम आपको पॉइंट्स बताएं तो पहला नंबर ये है कि 567 मरीजों पर 3 साल ये रिसर्च चली। 2017 से 2020 तक पहली बार इस तरह की स्टडी की गई जिसमें 567 मरीजों को शामिल किया गया। इन लोगों की धड़कन रुकने के बाद सीआरपी देकर इन्हें बचाया गया। तभी जितने भी मरीज थे वो अमेरिका और इंग्लैंड के अस्पतालों में भर्ती थे। अब दूसरा पॉइंट सामने ये आया कि सीआरपी के दौरान सब कुछ रंगीन चमकीला सा दिखाई देता है। रिसर्च में शामिल कई लोगों ने बताया कि सीआरपी के दौरान आंखें जो हैं उनकी रोशनी स्पष्ट थी और उन्हें सब कुछ रंगीन और चमकीला सा दिखाई देता है। ऊंचाई से गिरने, जानलेवा हमले और धमाके के दौरान भी मौत के करीबी अनुभव होते हैं। तीसरा पॉइंट सामने यह आया कि आंखों के सामने फिल्म जैसी दिखाई देती है। जिंदगी रिसर्च में शामिल एक व्यक्ति ने बताया है कि सीआरपी देने पर वह एक अंधेरी जगह पर चला गया लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था, वहां बहुत ज्यादा शांति थी। फिर उसकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी 3D फिल्म की तरह चलने लगी। बचपन से लेकर जवानी तक का घटनाक्रम साफ तौर पर सामने आना लगा। चौथा पॉइंट ये सामने आया कि सीआरपी देने के 1 घंटे तक दिमाग रहता है एक्टिव। मरीजों पर हुए ब्रेन स्कैन में ये बात सामने आई है कि सीआरपी देते समय मरीजों के दिमाग की गतिविधियां बढ़ गई थी। इस घंटे तक उनके दिमाग की जो गामा, डेल्टा, थेटा, अल्फा और बीटा तिरंगे निकल रही थी। ब्रेन से ये तिरंगे तब निकलते हैं जब व्यक्ति होश में होता है और सोच रहा होता है। मगर आपको बता दें कि सीआरपी के दौरान पहली बार इन्हें एक्टिव पाया गया। पांचवी बात ये सामने आई कि मरीजों को लेना कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ सपोर्ट मेडिकल फील्ड में हमेशा लेना पड़ सकता है और इसमें हमेशा माना जाता है कि सीआरपी की स्थिति में मरीज बेहोश हो जाते हैं, मगर स्टडी कुछ और ही साबित कर रही थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये जानना जरूरी है कि क्या सीआरपी के दौरान मरीजों को आसपास की चीजों के बारे में जानकारी रहती है। इसके लिए तबीयत ठीक होने के बाद मरीजों की काउंसलिंग जरूरी है। सीआरपी होता क्या है? सीआरपी जो है ये दरअसल एक लाइफ सेविंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने के दौरान किया जाता है। अगर किसी इंसान के दिल की धड़कनें बंद हो जाएं तो घर से अस्पताल जाने के दौरान सीआरपी लाइफ सेविंग का काम करती है। बच्चों को सीआरपी देने का एक बड़ा अलग तरीका होता है। बच्चों को पीठ के बल सीधा लेटा दें और उसके पास उन्हें घुटनों के बल बैठा दें। बच्चों को सीआरपी देने के लिए 2 उंगलियों का इस्तेमाल करें, उनकी जो छाती है उनकी जो चेस्ट है उस पर हल्का प्रेशर दें और 1 से 1.5 या 2 इंच तक ही प्रेशर उन पर डालें। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ के साथ।